जिले के पुंडरी थाना में हैरान कर देने वाला रेप का मामला दर्ज हुआ है। दर्ज किए गए मामले में 25 वर्षीय युवती के आरोप हैं कि गांव बालू के गुरुदेव ने घर में घुसकर उसके साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी दी। दरअसल मामला ये है कि युवती के नाम से थाने में डाक माध्यम से रेप की शिकायत पहुंची थी। पुलिस ने भी महिला से जुड़े मामले को गंभीरता से लेते हुए आनंद फानन में केस दर्ज कर दिया। चिट्ठी में दिए गए मोबाइल नंबर पर फोन करके युवती को मेडिकल व 164 के लिए बुलाया तो युवती ने कहा कि उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ, न ही उसे किसी के खिलाफ कोई शिकायत दी है। कोई उसके नाम से थाने में फर्जी शिकायत भेज रहा है। पहले महिला थाने में भी ऐसी ही शिकायत भेजी थी। वहीं दूसरी तरफ केस दर्ज होने से बालू निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट गुरुदेव भी हैरान हैं। 46 वर्षीय गुरुदेव का कहना है कि गलत लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है, जिसकी रंजिश में उसके खिलाफ फर्जी केस दर्ज करवाए जा रहे हैं। 2017 में भी एक युवती ने उसके खिलाफ रेप के आरोप लगाए थे। सर, लगभग 20-22 तारीख को मेरे पास एक फोन आया महिला थाना कैथल से कि आपके खिलाफ एक बलात्कार के केस के हमारे पास शिकायत आई है। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ बुजुर्ग आदमियों को लेकर थाने में पहुँचिए। जब मैं वहाँ बुजुर्गों को लेते आने के लिए तैयार था, तभी वहाँ से यहीं से फोन जाता है मैडम का कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस महिला के नाम से हमें यहाँ पर शिकायत मिली थी वो खुद यहाँ आके ये मना कर दी कि मैंने ना तो कोई शिकायत भी की है ना मेरे साथ बलात्कार हुआ। तो उस दिन को उन्होंने रफा दफा कर दिया। उसके एक अगले ही दिन में फिर बुजुर्गों को लेकर महिला थाने आया इसकी शनाख्त के लिए कि हमें ये पता लगे कि कौन लेडीज थी जिन्होंने मेरे पर शिकायत डाली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इसको रफा दफा कर दिया। वो उन्होंने खुद इस केस को वापस ले लिया। उसके 3 दिन बाद फिर पुंडरी थाने से फोन आता है मेरे पास पुलिस का कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, आपने बलात्कार किया किसी के साथ। तो मैंने कहा मैं वही केस, बिल्कुल सेम वही केस। तो मैंने कहा मैं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं आया, 2-3 दिन पहले यहाँ महिला थाना में भी हुआ था, वो रफा दफा कर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बिना मेरी इजाज़त के बिना मेरी सुनवाई कराए मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी। तो उसमें पुंडरी पुलिस ने कोई जांच नहीं की? नहीं, बिल्कुल कोई किसी प्रकार की जांच नहीं। मेरे को सिर्फ जब ये फोन किया कि आपकी FIR हो चुकी है, आप पुंडरी थाना में आइए, तो मैंने कहा कि मैं जब मेरे पास FIR हो चुकी है मेरे आने की क्या जरूरत है। और उसी जिस दिन की वो शिकायत है 20 तारीख को मेरी कोर्ट में भेजी थी। तो क्या आला अधिकारियों से आपने इसकी गुहार लगाई? मैंने SP साहब को लेटर लिखा है कि मैं मेरी उस दिन पेशी थी, मैंने किसी के साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया, ना मैंने किसी के साथ, मैं किसी को जानता हूँ और उसने मेरी कोर्ट में पेशी थी। मेरे सभी फुटेज निकलवाए जाए, मेरी जांच करवाई जाए, मेरी फ़ोन की लोकेशन निकलवाई जाए, मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ। क्यों दी गई शिकायत? ये पता आइडिया सर, इसका आइडिया ये है कि मैं एक RTI सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पिछले 10-15 सालों से ऐसे काम करता हूँ, शोषित लोगों की आवाज़ उठाता हूँ। पहले भी मेरे ऊपर ऐसे बलात्कार के, 325 के, 23 के, सरकारी काम में बाधा डालने के, चोरी के, डकैती के काफ़ी केस डले हैं जिसमें मैं बरी हो चुका हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं मेरे गांव के अंदर, मैं उन तक सख्त जाहिर करता हूँ कि वही ऐसा काम कर सकते, पहले भी उन्होंने करवा दिया था। इसमें 25 तारीख को SP साहब के पास से कंप्लेंट थाने कुंडरी में पहुंची थी, उस पर तो महिला से संबंधित है, उस पर हमने पर्चा 218 नंबर FIR कर दी, 376/506 का पर्चा दर्ज कर लिया। अभी SHO से पता कराया, उस महिला को बुलाया है तो उसने कहा है कि भाई मैंने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं दी। और तो हमारे जांच में ये चल रहा है कि कौन कंप्लेंट को SP साहब के मत यहाँ पे देके गया ऑफिस में, उस पर हम 182 की कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें दोषी होगा। सर, वो एप्लीकेशन दो जगह गई थी, एक महिला थाने में और एक SP साहब के पास। SP साहब वाली जो एप्लीकेशन कार्रवाई है, किस तरह से वो प्राप्त हुई क्या? अभी वो आपको बता रहा हूँ, जांच में यही पता लगाएंगे। सबसे पहले SP साहब को ये कंप्लेंट कौन देके गया, तो कई बार महिला से संबंधित है इसलिए SHO ने पर्चा दर्ज कर दिया। उस लेडीज को भी बुलाया तो उसने कहा मैंने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं दी, नाम इसलिए हम उसका पता नहीं रहे और उस पर कार्रवाई करें। सर, शिकायत जो SP ऑफिस से गई थी, SHO ने उस महिला को बुलाया था थाने में बयान दर्ज करने के लिए, पहले FIR दर्ज की? आप ही जांच का विषय है ये, आज मेरे पास ये फाइल मैंने मंगवाई, इसमें मैं जांच करूंगा। बुलाया था ने अभी तक जो मैंने आज मैंने भी बुलाया उस महिला को बुलाऊंगा, और आज आए या कल आए उसको मैं उसके भी बयान दर्ज करूंगा। और पर्चा उसकी, अगर उसने ये कहा मैंने कोई कंप्लेंट नहीं, तो पर्चे को हम कैंसिल कर देंगे,
सबसे हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि इसको कंप्लेंट को कौन झूठी लेके गया। एसपी ऑफिस में जो एसपी ऑफिस में जो शिकायत आई है बाय डाक आई है या रिसीविंग बाय हैंड देखेंगे? ये एसपी साहब के पास आती है तो फिर वो नायब कोर्ट जो भी ले वो लेके जाते हैं ना, डाक के द्वारा जाते हैं ना थानों में। एसपी साहब के पास सर जो प्राप्त हुई है वो डाक से हुई है या फिर रिटर्न में देखेंगे? ये अभी जांच का विषय है सर। एक सवाल या निशान खड़ा हो जाता है कि जब पब्लिक FIR करवाने के लिए चक्कर काटती है यहाँ, लेकिन एक सिंपल एक एप्लीकेशन से FIR दर्ज होती, ना ही कोई गवाह होता ना ही कोई एक्यूज होता, लेकिन FIR जरूर दर्ज हो जाती है कई। हाँ ये FIR अभी क्योंकि SP साहब की तरफ से भी गई और क्या नाम है शिकायत करता कई बार उसकी FIR नहीं होती तो वो अब पुलिस पे ही ब्लेम लगाने शुरू कर देता है, अब भाई हमारी आप FIR नहीं कर रहे तो मैं ये जांच का विषय है और किसी ने कंप्लेंट दी। मैंने महिला स्टेशन से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है और उसकी मैं SP साहब को 3 दिन में इसकी रिपोर्ट भी सौंपूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। एक कुंडरी की दरखास्त बाई पोस्ट आई थी हमारे पास, उसमें देखा था आपने कि बाड़ूवाड़े के खिलाफ किसी के एलिगेशंस लगाए हुए थे, उसमें हमारी ASI ने उसी समय बुला लिया था 22 तारीख को जैसे दरखास्त आई, और उस गुड़िया को बुलाया गया था मुदैया को, उसे पूछताछ की गई, उसने बताया कि भाई मैंने ये दरखास्त नहीं दी थी और ना ही मैं इस पर्सन को जानती हूँ और मैं इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। तो मैं उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई, उसको बुलाया गया उसको या क्या कुछ सामने आया? फिर उस गुड़िया ने इस संबंध में एक दरखास्त SP साहब को भी दी है, वो हमारे पास आई हुई है, इस संबंध में जाँच चल रही है भाई वो जिसने उसके पास 30 शक दर्शक दर्शाया है वह उस पर हम वेरीफाई करें। तो मैम इस संदर्भ में कोई जांच चल रही है, किसने चिट्ठी लिखी है कि थ्रू आई को ट्रेसिंग करने का ऐसा मामला? हाँ हाँ कोशिश है, इसमें जैसे उसने जिस पे शक जाहिर किया है उसको हम बुला रहे हैं।